caught in the crossfire. Hello students, welcome to our channel JS Accountancy. मैं मनदीप सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो ऑन द टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? मैनेजमेंट के तीन लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. इन तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता दूं. आइए देखते हैं. हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है. ग्रुप में काम करते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. एक बंदे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती. स्कूल में कोई एक बंदा काम नहीं करता, कंपनी में कोई एक बंदा काम नहीं करता. सभी बंदे, सभी पर्संस मिलकर काम करते हैं. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे पीपल काम करते हैं. अब जो ये पीपल काम करते हैं, इनकी डिफरेंट पोजिशंस होती है. कोई टॉप लेवल पे काम कर, मतलब कोई किसी की पोजिशन किसी से हायर है, किसी की पोजिशन किसी से लोअर है, किसी की पोजिशन जो है टॉप पे है, किसी की पोजीशन किसी से नीचे. ठीक है, तो ये डिफरेंट पोजीशंस पे काम करते हैं और इनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी. जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स डिपार्टमेंट की होगी. ठीक है, सेल्स से रिलेटेड होगी मतलब. तो ये जो पर्सन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये डिफरेंट पोजिशन पे काम करते हैं और इनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एक बारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो काम आपको दिया गया है आपको उस काम को करना है, यानी ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग. ठीक है, जो काम को आपको दिया गया है वो आपने करना है. अब जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, मान लीजिए फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. अब फाइनेंस अरेंज करने के लिए उसके पास पावर भी तो होनी चाहिए ना, उसको पावर भी दी जानी चाहिए. तो ये पावर को हम दूसरा क्या नाम जानते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज अथॉरिटी. ठीक है, तो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए हमें अथॉरिटी देनी पड़ती है. अब ये अथॉरिटी कितनी होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, यानी एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी कितना होगा, एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना होगा, ठीक है, उसी के बेसिस पर हमें चेन बनाते हैं. चेन का मतलब कि कोई किसी का सुपीरियर होता है, कोई किसी का सबॉर्डिनेट होता है. सुपीरियर का मतलब जो हमसे एक लेवल ऊपर है या फिर जो हमसे ऊपर है, और सबॉर्डिनेट का मतलब होता है कि जो हमसे नीचे है. ठीक है, तो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एंड अमाउंट ऑफ दिस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे एक चेन क्रिएट होती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की. क्यों? क्योंकि जो सुपीरियर होते हैं वो ऊपर वाले लेवल पे होते हैं और जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो नीचे वाले लेवल पे होते हैं. तो इसी अथॉरिटी भी सुपीरियर की ज्यादा होती होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सुपीरियर की ज्यादा होती होगी. ठीक है, और जो सबॉर्डिनेट है उसकी अथॉरिटी भी कम होती होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती होगी. तो इसी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या बनती है, एक चेन क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर सबॉर्डिनेट चेन. और इसी सुपीरियर सबॉर्डिनेट की चेन को ही हम क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. ठीक है, अब ये जो हमारी हायरार्की होती है, यानी कि ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पोजीशन स्टार्ट होती है टॉप से बॉटम की तरफ. हम कभी भी बॉटम से टॉप की तरफ नहीं कहते, हम कहते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट होती है. क्योंकि ऊपर होते सुपीरियर, फिर उनसे सबॉर्डिनेट, फिर उनके सबॉर्डिनेट. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से हमारे पास तीन लेवल्स होते हैं, थ्री लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड बॉटम. ठीक है, टॉप जो सबसे ऊपर, मिडल जो बीच में, और सुपरविजरी यानी लोअर, यानी कि ऑपरेशनल जो इनसे भी नीचे होता है. अब स्टूडेंट्स, अब आपको पता ही है कि जो अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और स्टेटस है इन लेवल्स पे अलग अलग होता है. यानी टॉप लेवल की जो अथॉरिटी और स्टेटस है वो मिडिल लेवल से ज़्यादा है, और मिडिल लेवल की जो अथॉरिटी है और पावर है, मतलब अथॉरिटी है और स्टेटस है, वो लोअर लेवल से ज़्यादा है. ठीक है, तो ये जो वेरियस पोजीशंस हैं इंक्लूडेड इन द ईच लेवल, ये इस फिगर से हम समझने की कोशिश करेंगे. मैंने आपके लिए इस काम को इजी कर दिया है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं, हम इसे इस तरीके से समझेंगे, इस डायग्राम से समझेंगे हम. ठीक है, तो देखिए, आइए इस डायग्राम पे नजर डालते हैं. सॉरी, देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल. कौन सा लेवल आता है? टॉप लेवल.
अब इस टॉप लेवल में कौन कौन आता है? आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आ सकती है इस पे भी, इसी टॉपिक पे केस स्टडी आ सकती है और क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप लेवल पे कौन कौन काम करता है। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने के लिए बनाया है। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर आते हैं चेयरमैन, फिर आता है CEO, CFO और COO। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, और COO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। फिर देखिए हमारे पास आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टॉप लेवल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। फिर हमारे पास आता है जनरल मैनेजर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जनरल मैनेजर टॉप लेवल में आता है, ठीक है। तो टॉप लेवल में हमारे पास कौन कौन आता है वो हमने देख लिया। इसके बाद आते हैं मिडिल लेवल पे, ठीक है, मिडिल लेवल पे कौन कौन आता है? यहाँ पे बेसिकली मैनेजर्स आते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिडिल लेवल पे क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स का एक एक मैनेजर होता है, जैसे प्रोडक्शन का प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस का परचेस मैनेजर, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर, पर्सोनल मैनेजर, इसी तरीके से ऑपरेशंस मैनेजर, एंड लास्ट इज प्लांट सुपरिटेंडेंट। ध्यान से स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला था टॉप में जनरल मैनेजर को आपने याद रखना है कि टॉप में आता है, वैसे ही प्लांट सुपरिटेंडेंट आप याद रखेंगे कि मिडिल लेवल में आता है। आपसे पूछा जा सकता है केस स्टडी में, मान लीजिए आपके फादर जो हैं वो किसी कंपनी के CEO हैं, तो बताइए वो कौन से लेवल पे हैं। मार्क द वर्ड CEO, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि टॉप लेवल पे आता है। फिर आपसे पूछ सकते हैं, मान लीजिए आपके ब्रदर जो है वो किसी कंपनी के, मान लीजिए प्लांट सुपरिटेंडेंट है, तो बताइए वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं। प्लांट सुपरिटेंडेंट है तो वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं अपने लास्ट लेवल पे, लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल या सुपरविजरी लेवल। लोअर को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, सुपरविजरी भी बोला जाता है, ऑपरेशनल भी बोला जाता है। तो सिंपल है, सुपरविजरी है तो यानी कि यहाँ पे कौन आता है, सुपरवाइजर आता है, फॉरमैन आता है। फॉरमैन जो है वो लोअर लेवल का मैनेजर होता है, ठीक है, लोअर लेवल पे आता है। सुपरिटेंडेंट, ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लांट सुपरिटेंडेंट है, यहाँ सुपरिटेंडेंट है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, तो ये जो थे वो हमारे क्या थे, ये हमारे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विच स्टार्टेड फ्रॉम टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल एंड देन लोअर लेवल, एंड देर वर डिफरेंट पर्सन्स इन्वॉल्व्ड एट दीज वेरी लेवल्स। सम हैज द अथॉरिटी मोर देन इन, मतलब सम हैव मोर पावर देन टू द अदर्स, दूसरों से कुछ की पावर ज्यादा है, जैसे सुपीरियर की पावर सबॉर्डिनेट से ज्यादा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सुपीरियर कौन है, देखिए टॉप लेवल सुपीरियर है किसका, मिडिल का और लोअर का। फिर मिडिल जो है वो किसका सुपीरियर है, लोअर लेवल का, ठीक है। अब लोअर जो है यानी कि सबॉर्डिनेट है, मिडिल सबॉर्डिनेट किसका है, टॉप का, सबॉर्डिनेट मतलब जो नीचे होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और लेवल होता है लेकिन वो मैनेजमेंट में नहीं आता, वो नॉन मैनेजरियल लेवल पे आता है, यानी यहां मैनेजमेंट नहीं की जाती है, मैनेजमेंट सिर्फ इन इन लेवल्स पे की जाती है, यहां कोई मैनेजमेंट नहीं की जा रही, लेकिन यहां वर्कर्स आते हैं। कौन आते हैं, वर्कर्स, और जहां वर्कर्स काम करते हैं ऐसे एरिया को बोला जाता है प्लेटफॉर्म एरिया। मार्क द वर्ड प्लेटफॉर्म एरिया, प्लेटफॉर्म एरिया कौन सा एरिया होता है, जहां वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिया, आइए देखते हैं टॉप लेवल के बारे में। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो क्या है कि टॉप लेवल पे कौन कौन आता है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि टॉप लेवल पे कौन कौन आता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको टॉप लेवल के बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। देखो टॉप लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं नंबर वन वेलफेयर, नंबर टू सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो मैनेजर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर यानी ऑर्गेनाइजेशन का भला और ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल करें, ठीक है, यही करवाएंगे। फिर अब आते हैं इनके फंक्शंस पे कि इनका फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करते हैं। देखिए फंक्शंस को बहुत आसान वीडियो में मैं आपको समझा देता हूं। देखो टॉप लेवल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन के, गोल्स कौन सेट करेगा, मिडिल लेवल नहीं, लोअर लेवल नहीं, टॉप लेवल, याद रखना, मार्क द वर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के यानी गोल्स फॉर्मुलेट करते हैं वो भी कौन है, गोल कौन बनाता है, टॉप लेवल। और गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी भी कौन बनाएगा, टॉप लेवल, ठीक है। गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी भी ये बनाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चलिए
फर्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो, मैंने आपको बताया था कि मिडिल लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? तो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज भी होंगी, परचेज एक्टिविटी होगी, सेल्स एक्टिविटी होगी, फाइनेंस एक्टिविटी होगी, तो इनको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, इनके अंदर सामंजस्य कौन बिठाएगा? बिल्कुल, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन कौन क्रिएट करेगा इनकी एक्टिविटीज में? टॉप लेवल, यस। ये इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को, ताकि क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने की? ताकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसको हम अचीव कर सकें। क्या आप सोच सकते हो कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इनके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन हमने देख लिया, इंटीग्रेट करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। सेकंड फंक्शन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और उसकी इंप्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। इस पॉइंट को समझिए, कहते हैं एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। बिजनेस एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है, नंबर वन, दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट है, जो उस कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट है, जहां पे एम्प्लॉयज आते हैं, फाइनेंस आता है, जहां पे ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ आता है। एक होता है बाहर का एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, जिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी, किसी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी स्कूल का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी चर्च वगैरह या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बाहर के एनवायरनमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, टेक्नोलॉजी पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अभी कोरोना वायरस आया, क्या कोरोना वायरस पे किसी का कंट्रोल था? नहीं था, क्योंकि ये बाहर से एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से आया। और इससे देखो कई बिजनेस फर्म्स को जो है वो क्या हुआ है, असर पड़ा है। तो कितना असर पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पे, कितना असर पड़ा है, इसको एनालाइज करना, ठीक है, ये पता लगाना कि हमारा बाहर का एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है, ये देखते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या करता है टॉप लेवल? टॉप लेवल बाहर के एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, ठीक है। और क्या करता है, क्योंकि क्यों एनालाइज करता है, क्योंकि इसका फर्म के सर्वाइवल पे बहुत असर पड़ता है। अब कोरोना वायरस के कारण कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने एनालाइज किया और फटाफट मास्क बनाने शुरू कर दिए, फटाफट सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए, किट्स बनानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, बाहर के एनवायरमेंट को एनालाइज किया और उन्हें पता था कि अगर हमने ये काम शुरू नहीं किया तो हो सकता है हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, आइए फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या हवा में अचीव हो जाएंगे? 2000 करोड़ की सेल का ऑब्जेक्टिव क्या ऐसे हवा में अचीव हो जाएगा? नहीं। 2000 करोड़ की सेल का ऑब्जेक्टिव मान लो हमने सेट किया है, तो उसको अचीव करने के लिए कुछ मैन भी चाहिए होंगे, मटेरियल भी चाहिए होगा, मनी भी चाहिए होगी। कौन अरेंज करके देगा? नीचे वाले लेवल वाले? नहीं, ये काम किसका है? टॉप लेवल का काम है। तो टॉप लेवल का काम होता है अरेंज करना मैन, मटेरियल, मनी, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एंड स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल। इसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज बिजनेस की होती हैं और जो इसका इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, जो भी सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, वर्कर्स से नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा टॉप मैनेजमेंट से, टॉप लेवल से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप लेवल ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए और उसके इंपैक्ट ऑफ द सोसाइटी पे। अगर सोसाइटी के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ा है तो टॉप लेवल से पूछा जाएगा, और अगर अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है तो टॉप लेवल से पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये टॉप लेवल का काम कोई आसान काम तो होता नहीं है। अगर जिन लोगों को लगता है कि इनका काम बहुत आसान होता है तो दे आर वेरी रॉन्ग, क्योंकि इनका काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल में मान लीजिए टीचर्स का काम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता होगा जितना प्रिंसिपल का काम होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल को पूरे स्कूल को देखना है, डायरेक्टर के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर स्कूल की पूरी जिम्मेदारी होती है। उनका काम, उनको घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के बारे में सोचना पड़ता है। उनका काम कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेसफुल है, और उन्हें घंटों तक कमिटमेंट रहनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन पे कमिटेड रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप लेवल के फंक्शंस। इसके बाद हम आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया था, इस पे कौन कौन होता है, आइए इसकी थोड़ी बहुत बातें डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि देखो टॉप और लोअर लेवल के बीच में किसका काम करते हैं? लिंक का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, टॉप और लोअर लेवल को जोड़ने का काम करते हैं। और ये जो लेवल होता है ये सबॉर्डिनेट होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, टॉप से नीचे होता है और ऑपरेशनल यानी कि सुपीरियर सुपरविजरी लेवल से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये टॉप के जो हैं वो क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट होते हैं, और लोअर के क्या होते हैं? सुपीरियर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि इनके फंक्शंस क्या हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मिडिल लेवल का काम क्या है, देखो टॉप मैनेजमेंट ने क्या बनाया, टॉप मैनेजमेंट ने बनाए प्लान, टॉप मैनेजमेंट ने बनाई स्ट्रेटजी, लेकिन ये स्ट्रेटजीज, ये जो प्लान्स टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हैं, इंप्लीमेंट किसको करना है, इंप्लीमेंट तो करवाएंगे मिडल लेवल वाले, उनसे नीचे वाले लेवल वाले, ठीक है। तो मिडल लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है इंप्लीमेंट और कंट्रोल करवाने के लिए प्लान्स को और स्ट्रेटजीज को, और इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्हीं को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिफरेंट एक्टिविटीज की। आइए इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड वेरी इजी फंक्शंस। नंबर वन, टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको इंटरप्रेट करना, लोअर लेवल को बताना भाई ये पॉलिसी बनी है, ये पॉलिसी है आपकी, ठीक है। तो इंटरप्रेट करना पॉलिसी को किसका काम है, टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको इंटरप्रेट करना, उसको बताना लोअर लेवल को, किसका काम है, मिडिल लेवल का काम है। अब डिपार्टमेंट्स जो है उनको जितने भी नेसेसरी पर्सोनल की जरूरत है, जितने भी एम्प्लॉयज की जरूरत है, वो एम्प्लॉयज कौन देगा, बिल्कुल वो एम्प्लॉयज मिडिल लेवल अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी असाइन करता है मिडिल लेवल, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मोटिवेट करना, सेल्स डिपार्टमेंट को मोटिवेट करना, अपने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ये किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने डिस्कस किया था ना, तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से काम करती रहे, इसलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट के साथ चलना पड़ता है, कोऑपरेशन के साथ चलना पड़ता है। ये कोऑपरेशन भी कौन लाके देगा, मिडिल लेवल। आइए डिस्कस करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। लोअर लेवल पे मैंने आपको बता ही दिया, सबसे नीचे वाले लेवल पे होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है लोएस्ट लेवल पे होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत कम होती है, इनकी अथॉरिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। कौन कौन आते हैं ये हम बता ही चुके हैं, अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। देखो इनके फंक्शन सबसे आसान है याद करना, क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि इससे नीचे कौन होता है, प्लेटफॉर्म एरिया, हालांकि वो मैनेजरियल लेवल नहीं है, प्लेटफॉर्म एरिया है जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो लोअर लेवल के जितने भी काम होते हैं वो सब वर्कर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वर्कर्स से रिलेटेड। तो क्या करते हैं, वर्कर्स के एफर्ट्स को देखते हैं, वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखते हैं, सही से एफर्ट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं। सेकंड, ये इंटरैक्ट करते हैं वर्कफोर्स के साथ, मिडिल लेवल तो नहीं इंटरैक्ट कर सकता क्योंकि वो लोअर से ऊपर वाले लेवल पे है, ठीक है। तो ये हैं लोअर लेवल वाले हैं जो वर्कफोर्स के साथ एक्चुअली इंटरैक्ट करते हैं, इनको जो मिडिल लेवल ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो पास करते हैं, ठीक है, वर्कर्स तक। थर्ड क्या है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट की क्वालिटी बनी रहे, वेस्टेज ना हो मटेरियल की, स्टैंडर्ड सेफ्टी के बने रहे, किसका काम है, ये है लोअर लेवल का काम, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज वर्कर्स की ग्रीवियंस। अगर किसी वर्कर को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वो क्या सीधा मिडिल लेवल पे पहुंचेगा, नहीं, अगर किसी वर्कर को प्रॉब्लम हुई है तो वो लोअर लेवल के पास जाएगा, लोअर लेवल आगे इनकी प्रॉब्लम किसके सामने रखेगा, मिडिल लेवल के सामने रखेगा, ठीक है। तो ये वर्कर्स की ग्रीवियंसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स इनकी ग्रीवियंसिस को मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं। एंड लास्ट इज वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, जैसा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब प्रॉपर सेफ्टी वाला वर्किंग एनवायरनमेंट कौन देगा, लोअर लेवल देगा, क्योंकि लोअर लेवल ही वर्कर्स के साथ कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो दिस वॉज आवर वीडियो ऑन द टॉपिक levels of management and as well as respective functions of these levels. I hope आपको समझ आ गया होगा, please like कर दीजिए, share कर दीजिए, subscribe कर दीजिए and do follow our channel. Thank you.